माधवगंज के चक्कर सबके चल रहे हैं, इनके बीच में सब में आपस में लड़ाई हो गई थी, हो गई थी इस वजह से थोड़ी लोकेशन उनको अच्छी मिल जाती है, गाड़ी घुसी नहीं की तुरंत घुसे नहीं, तो सब दूर पड़ जाता ना काशीपुर, अभी रास्ता और कोई है नहीं मार्ग के, हरपालपुर से घूम के जाओ तो उधर से उनको पता लग जाता है, इधर से जाते तीन रास्ते हैं, सुसालों से घर से 12-15 किलोमीटर पड़ जाता है, हो नहीं पा रहा फिलहाल। अब देखो आगे, एक तो ये जो दिनों ने डलवा लिया उन्होंने डलवा लिया माल, अब बिखरे नहीं जाके सीधा, अब बिके तो अब तो शायद बंद है काम, तो वो अपने ट्रक वो अंडरलोड मिश्रा वाले में अंडरलोड करवा रहे हैं, अब क्या देगा साला। बात करी तो मैंने खुद ही करी थी, मैंने यार कुछ खर्चा पानी करा, अभी अंडर लोड है, एक तो साला माल महंगा बेच रहा, महंगा डलवाएगा तो महंगा बेचेगा, 17-18 सौ की ट्रॉली डलवा रहा, बराना में साली डल रही है 700-800 रुपए की, वो 20,000 में अंडर लोड कर रही, 3,000 में कर रहा है, आदमी राइट क्लिक खाना क्रॉस करेगा 15 किलोमीटर आगे आएगा, कल भी रात है फोन कर देगा अभी ट्रक वालों को बुलवा दो कोई, होता है इतना महंगा माल कोई नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं है, वहीं का वहीं लोड करता आदमी निकल जाता, काहे के लिए इधर आएगा, इतना अच्छा माल थोड़ी है तुम्हारा, कोई फास्ट के अलग से कुछ निकलता है, अब उनको सस्ता मिल रहा है तो वो साले सस्ते में बेच रहे हैं, आपने बिल्कुल पूरा काम छोड़ दिया, बता रहा ना जब वो आदमी कह रहा था भी सिस्टम में काम करेंगे, ऐसा भी भिजवाने मैंने इनसे बोला भी, और उसके बाद फिर अंडर लोड थे तो मतलब खरीद वालों को इतना ही बोलते थे यार पेनल्टी करके भेज, पूरी माँ छोड़ दी उनकी सेल्स टैक्स की रिपोर्ट लेकर, खनिज वनिज साली आरटीओ फाटी सब करवा दिया उनका, सालों की 1.25 लाख की घुसी होती ऐसे थोड़ी काम होता है, जब फिर पास पैसा आप पैसा ले रहे हो जब लोड नहीं दे रहे हो, तो मैं क्यों अपना नाम खराब करूँ, मुझे तो रहना तुम्हारा क्या पता तुम कब जा रहे हो, ये लोग देते नहीं थे क्या, बात करके गए थे कह रहे भैया चलाएंगे, और अंडर लोड आदमी नहीं देता है, बात जरूर करके थे कह रहे भैया हम खर्चा पानी आपको भिजवा देंगे, अंडर लोड चलते हैं हम, चलो ठीक है भैया आना आने, जिस दिन आए तो उसको दूसरे दिन की बात है शायद ही बंद हो गए भाई, इतनी सी बात मान लेते, मुकदमे मुकदमा ना चिल्लाते बस, तुम्हें क्या लेना देना यार कप्तान साहब को, भाई अपना भी तो कुछ लोड लो, आप इंचार्ज है कि सर वो तो अंडर लोड है, जो ओवरलोडिंग में है उसको हम करवाए दे रहे हैं, मुकदमा क्या होता है यार, मुकदमा या तो तुम बोले ही देते कि साहब वो तो सब अंडर लोड है चले जाते, पकड़ने वाले तुम बनो तो सिर्फ इतना ओवरलोड निकलता था तुमने कभी नहीं पकड़ा, आज तक अंडर लोड को तुमने तुरंत पकड़ लिया, कितना ओवरलोड निकला कभी तुमने पकड़ पाया, अंडर लोड वालों को तुरंत पकड़ लिया, दो तीन तारीख को आए थे और शायद 8-10 तारीख को पकड़ गए, कौन से वाले कुछ थे कुछ नहीं थे, काफी लोगों का डर रहता है आप कसम से, मुझे जानकारी नहीं है कहाँ से वो लेते हैं कहाँ से नहीं लेते, ये बताते नहीं है ना, सीधी बात ये है ना, आप किसी से ही पूछ लो अगर किसी को पता हो, लेकिन ये हम पकड़ने आपने देखा हो ना, कभी ट्रैक्टर पकड़ने जाते ना कभी दारू पकड़ने जाते, क्या पता वहां से निकले की सकता, इसलिए जाते ही नहीं है मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा काम, मजा आता दम वाले आदमी के साथ करना, मुझे मेरा मतलब मैं 6 महीने थाने में रहूँ लेकिन ठीक ठाक तरीके से रहें, पत्रकारों से आप श्रीनगर में रहे देखो दीपक वाजपेयी है वहाँ, कांचा सुखना है और तुम्हारे बेलाताल भैया क्या नाम है, ये सब लोग बहुत अच्छे से परिचय थे भाई, हम लोग बैठते उठते रहे इनके साथ, बताओ किसी ने परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं करा मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने आपसे जब मैं आया था आप लोग मिले इनका इस हिसाब से इनको टिकना अभी तो बता रहा हूँ, आप जब मेरे से मुलाकात हुई मैंने आपसे ये देखो कुछ आने तो दिया जाएगा, ऐसा भी एक आदमी को नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा जो भी 6-7 है सबका करा जाएगा, मीडिया पत्रकार आपस में बना के चलती है, पुलिस को चलता रहता है सबका काम, अब साला मिले ही 10-12-15 हजार किसको क्या दे रहे यार, अपना खर्चा चलाए कि दूसरे को दे यार, भाई इतना तो देखो यार दूर पड़े उस दिन मैंने कहा था कमाएंगे यार, देखो इतना भी ना कमाएंगे तो क्या फायदा यहाँ पड़े, पुराने जो सब रहे उन्होंने सब काम देखा सब करा तो इसी में नया बात 20-50 हजार बचा लेते हैं सब साल, 10-20 हजार खर्च हो जाता नहीं फर्क पड़ता, खराब है ना ये तो मैटर निपटा रहे मोटरसाइकिल वाले से, मुझे 2-4 हजार मिलते नहीं, मैं उसके घर 3 बार हो गया है, महीना चिल्ला रही थी कप्तान के आ जाऊंगी,
निपटा दिया, डायरेक्ट ले लिया, लिया तो हो गई इसमें, ये तो हर कोई जानता है जब मैटर निपटेगा तो पुलिस को भाई देखो मैं खुद ही लेता हूँ, दूसरा क्यों नहीं लेगा। धरन साहब दो बार वो कैसे कह रहे नहीं रस तुम निपटाओ, मैंने कहा आप दरोगा के नहीं निपटा रहे, मेरी क्या वो पड़ी है, मैं कौन से निपटा लूंगा जी। भाई जिसको दरोगा हाथ दे देता है, इंचार्ज हाथ दे देगा, वो हमसे क्यों सुनेगा, फिर डाल दीजिए। मैंने कहा मैंने गलत बात है, दो बार मैं ऊपर आया, कह रहे यार वो साहब से बात करी थी, साहब कह रहे आ जाओ हम करवाए दे रहे हैं, चलो ठीक है साहब कहेंगे तो तुम्हारी थोड़ी सुनोगे। लिए लिए घूमे, जब उसको समझाया है वो आए तो बता कर देते हैं। तो यही जानकारी लगी थी कि आपने काम छोड़ दिया है बस इन्हीं खुचड़ की वजह से, हमने कितने दिन कर रहे पूरी वसूली कर रहे थे, ये आप कर रहे तो करते तो क्या करते। मैं तो सही बोला मिस्टर पर पहला भी किसी ज़्यादा मतलब रखा ऐसे बता रही है तो यार देवेंद्र की क्या, देवेंद्र तो मुझे पता कितने पानी में, अच्छा देवेंद्र करने वाले होते तो पहले काम मुझे मिलते गया है। तुम्हारा इंचार्ज तुम्हारे गांव देहात का हाल भी, तब भी तुम काम पूरा नहीं ले पा रहे तो क्या काम है। मैंने आपसे पैसा लिया कि आप काम करो, इंचार्ज को हर एक आदमी को तो बताया नहीं जाता, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, और तुमने जाकर पकड़ लिया तो फिर क्या रहेगा उसको, तुम तो टाल दोगे कि हमें तो ना पता, तुमसे वैसे भी नहीं बोलेगा आदमी, जो पैसे मुझे दे रहा हो तो मुझसे बोलेगा, तुमसे भी बोलेगा। रोक लो कुछ दिन, छह सात महीने हो गए कान में आए तो वैसे भी नहीं तार कान में आपको रहा नहीं था सब बंद हो गई, बता रहे कि रात में कहीं खुल गया है, वो खरीदने लगे हैं, बात हुई थी ना मेरी एक आध दूसरे सब वहीं बेचने लगे हैं। हाँ इसमें शुरू में जब मैं आया तो कभी 60-70 आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबने बंद कर दिया। थोड़ा घुमाया उन्होंने, कह रहा यार वो है तो सही लेकिन कुछ पता ही नहीं है उसका, 2-3 महीने से क्या है बताना नहीं है इसका, मतलब तुम सोच रहे हो नीरज ऐसा ना हो डायरेक्ट कराए अपना, भाई तुम जितना देते हो उतना तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, अपना ऊपर से भी ले लूंगा खर्चा पानी। उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने कहा चलो नहीं बता रही कोई बात, ये व्हाट्सएप पर एक ऑडियो सर्कुलेट हुआ है, और एक कोई आरक्षी है महोबकंड थाने का बताया जा रहा है, और जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहा है, और पूरा प्रकरण अभी पूरा ऑडियो सुनने के बाद उसकी जांच करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ को इसकी जांच सौंप दी गई है, जांच में जो भी फैक्ट आता है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर इसमें सर जो थाना इंचार्ज उनकी भी संलिप्तता नहीं समझ, जांच में हर बिंदु पर गहराई से विश्लेषण किया जाएगा, और जो भी इसके पीछे अगर ऐसी कोई गतिविधि है जो इलीगल है तो इसके पीछे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। सर थाना में एक पद बताया का, का, का खास है, कौन सा पद है ये सर संबंधित सर इसकी क्या टिप्पणी करेंगे।